अपनी मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं का दिल जीत लेने वाली एक फेमस सिंगर आयले चुनमुन चुनमुन जांजरे रुंचन रुंचन कितना मधुर। भाषाई बाधाओं को तोड़ते हुए इन्होंने अपनी सम्मोहक आवाज से देश भर के श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया। वनम्बड़ी यानी केरल की बुलबुल के नाम से मशहूर इस गायिका ने साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स के अवार्ड जीतने का गौरव हासिल किया और ऐसा करने वाली ये एकमात्र सिंगर बन गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके गाए हुए एक तमिल गाने को ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर गार्जियन ने साल 2007 में 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसका टाइटल था 1000 एल्बम्स टू हियर बिफोर यू डाई, यानी वो गाने जिन्हें आपको मरने से पहले एक बार जरूर सुनना चाहिए। और साथ ही साल 2009 में इसके हिंदी वर्जन को न्यूज़पेपर ने 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसका टाइटल था 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर, यानी वो गाने जिन्हें सबको एक बार जरूर सुनना चाहिए। क्या आप मानेंगे कि नेशनल अवार्ड्स के मामले में इनकी बराबरी आज तक कोई भी फीमेल सिंगर नहीं कर पाई है, चाहे वो लता जी, आशा जी रही हो या अलका याग्निक या फिर श्रेया घोषाल। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां है मेरे। क्या आप सोच सकते हैं कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस सिंगर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और किंघाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत और जल महोत्सव में चीन सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पाने वाली ये एकमात्र भारतीय हैं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तो कौन है ये विलक्षण प्रतिभा की धनी गायिका जिन्होंने दक्षिण भारत से निकलकर पूरे विश्व में अपनी सुरमई आवाज का लोहा मनवाया? बताएंगे इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो शायद ही आप जानते होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसी वर्सटाइल सिंगर की जिन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी मधुर आवाज से तहलका मचा दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी किसी सिंगर को कॉपी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल कोकिला चित्रा की। के एस चित्रा का जन्म केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 27 जुलाई 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णन नायर था जो कि एक स्कूल टीचर थे और साथ ही इनकी रुचि संगीत में भी बहुत थी। इनकी मम्मी का नाम शांत कुमारी था जो कि एक म्यूजिक टीचर थी। चित्रा की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम के एस बीना था और वो भी इनकी तरह ही एक सिंगर बनी और इनके छोटे भाई का नाम के एस महेश है जो कि एक म्यूजिशियन है। दक्षिण भारत की परंपरा के अनुसार ये तीनों भाई बहन अपने मम्मी पापा का नाम अपने नाम के पहले लगाते हैं, तो इनका पूरा नाम रहा कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा। इनके परिवार में बचपन से ही संगीत का माहौल था और इनके माता पिता ने इन तीनों को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही दी। चित्रा जी ने एक इंटरव्यू में अपने पिता को ही अपना पहला गुरु बताया था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग त्रिवेंद्रपुरम के कॉटन हिल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की, जिसके बाद इन्होंने केरल यूनिवर्सिटी से संगीत में स्नातक किया और बाद में केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के उमान कुट्टी की देखरेख में संगीत में परास्नातक किया और भारत सरकार की तरफ से इन्हें नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई थी। बात करें इनके फिल्मी करियर की तो साल 1979 में इन्हें पहला ब्रेक दक्षिण भारत के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एमजी राधाकृष्णन ने अपनी मलयालम फिल्म अत्ता हसम में दिया था। हालांकि ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई जिसके चलते इनका फिल्म इंडस्ट्री में पहला गाना फिल्म नंजन एका नानू का प्रणन्या वसंतम रहा।
ये गाना इन्होंने दिग्गज सिंगर येसु दास के साथ गाया था। इसके बाद साल 1985 में इन्होंने रुख किया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का और यहाँ पर दिग्गज म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा के लिए कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, जैसे सिंधु भैरवी, पुवे पुचूडावा, इडिया कोविल, गीतांजलि, मुथल मरीथई आदि। चित्रा को फिल्म सिंधु भैरवी के एक गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अपना नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद साल 1986 में आई एक मलयालम फिल्म के गीत मंजल प्रसादवुम के लिए इन्हें एक बार फिर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस गीत को बॉम्बे रवि ने कंपोज किया था। इसके बाद साल 1988 में आई मलयालम फिल्म वैशाली के गीत इंदु पुषुपम छोड़ी निकलम के लिए इन्हें तीसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ आपको बता दें कि ये दूसरी बार ऐसा था जब म्यूजिशियन बॉम्बे रवि के द्वारा कंपोज सॉन्ग के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। बैक टू बैक तीन नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने के बाद दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ इनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई और इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी गीतों के ऑफर आने लगे। बात करें अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो इन्हें पहला ब्रेक बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद ने दिया था फिल्म लव में। साल 1991 में आई इस फिल्म में बाला सुब्रमण्यम के साथ गाए इनके गीतों को बहुत पसंद किया गया। आजा आजा गिव मी अ किस। साल 1992 में रिलीज हुई चार हिंदी फिल्मों के गीतों को इन्होंने आवाज दी। ये फिल्में रहीं द्रोही, धर्म योद्धा, जागृति और रोजा। हवा में क्या है, खुशबू है, लहर में क्या है। रोजा फिल्म के गीतों ने उस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इनकी आवाज को घर घर में पहुंचा दिया। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां है मेरे। इस फिल्म के हिंदी गीतों की उस साल रिकॉर्ड 30 लाख रिकॉर्डिंग बिकी और टाइम मैगजीन ने इस फिल्म के गीतों को उस साल टॉप 10 सॉन्ग्स में जगह दी। इस फिल्म के बाद चित्रा ने बॉलीवुड में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 1993 और 94 में रिलीज हुई कई हिंदी फिल्मों के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी, जैसे संतान, चोर चोर, आज का रोमियो, द जेंटलमैन, तू ही मेरा दिल आदि। फूलों से भरी है पुष्पांजलि, तुमको लहरों की नृत्यांजलि, गीतों से भरी है। फिल्म द जेंटलमैन में जूही चावला पर फिल्माया गया गाना रूप सुहाना लगता है उन दिनों श्रोताओं के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे तो जानम। साल 1995 में बॉलीवुड में इनकी वो फिल्म आई जिसने इन्हें टॉप के सिंगर्स में शुमार कर दिया। ये फिल्म थी मणि रत्नम के डायरेक्शन में बनी बॉम्बे और इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे A.R. रहमान। चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। यहाँ आपको बता दें कि बॉम्बे फिल्म पहले तमिल भाषा में साल 1994 में रिलीज हुई थी। इसका चित्रा जी द्वारा गाया तमिल सॉन्ग भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बोल थे कन्नल लेन। इस गाने को ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर गार्जियन ने साल 2007 में 1000 गानों की उस लिस्ट में शामिल किया जिसे आपको मरने से पहले एक बार जरूर सुनना चाहिए, यानी 1000 एल्बम्स टू हियर बिफोर यू डाई। और इसी फिल्म का हिंदी में अगले साल 1995 में रिलीज हुआ गाना और कन्नलेन का हिंदी वर्जन कहना ही क्या उसी की तरह भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हुआ। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले।
और साथ ही साल 2009 में इसके हिंदी वर्जन को न्यूज़पेपर ने 1000 गानों के उस लिस्ट में शामिल किया जिसे सबको एक बार जरूर सुनना चाहिए, जिसका टाइटल था 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर। इसी साल इनकी हिंदी में कुछ और फिल्में आईं जिनके गानों ने चारों तरफ तहलका मचा दिया, जैसे क्रिमिनल फिल्म का ये गाना। रंगीला फिल्म का यारों सुन लो जरा, इसके बाद साल 1997 में आई हिंदी फिल्म विरासत के गाने पायलें चुनमुन चुनमुन ने एक बार फिर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म के इस गाने के लिए चित्रा को पहली बार किसी हिंदी फिल्म के गाने के लिए पहला और अपने करियर का चौथा नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन साल 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम के गाने दिल मेरा तू दीवाना है ने एक बार फिर श्रोताओं का दिल जीत लिया। साल 2001 में आई फिल्म अशोका का गाना रात का नशा अभी, जो कि करीना कपूर पर फिल्माया गया था, इसको भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का। इसी साल आई फिल्म तुम बिन के सॉन्ग तुम बिन जिया जाए कैसे ने श्रोताओं के दिल को रोने पर मजबूर कर दिया। तुम बिन जिया जाए। साल 2003 में इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी। इनमें से प्रमुख गीत रहे अरमान मूवी का मेरे दिल को तुमसे है कुछ कहना, मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना नहीं। ब्लॉकबस्टर फिल्म कोई मिल गया का टाइटल सॉन्ग। मैं प्रेम की दीवानी के कई सॉन्ग्स जैसे कि कसम की कसम, ओ अजनबी आदि। कसम की कसम है कसम से हमको प्यार। साल 2005 में आई फिल्म परिणीता का गीत रात हमारी तो दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रात हमारी तो चांद की सहेली है कितनी। इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती का टाइटल सॉन्ग और कई और फिल्मों के गीतों को इन्होंने अपनी आवाज दी। साल 2023 में आई फिल्म केरल स्टोरी के गीत तू मिला को भी इन्होंने अपनी आवाज दी। तू मिला मुझको मेरी खुश नसीबी। अगर बात करें एल्बम्स की तो इन्होंने कई एल्बम्स के गानों को अपनी आवाज दी, जिसमें अगर हिंदी एल्बम की बात करें तो इनका पिया बसंती दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। पिया बसंती रे, काहे सताए। इस एल्बम में इन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान के साथ अपनी आवाज दी थी और इस एल्बम ने उन दिनों कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। चित्रा जी का ऐसा एक और एल्बम है सनसेट पॉइंट। गुलजार साहब के द्वारा लिखे गए गीतों से सजा ये एल्बम बेहद खास है, जिसे इनके साथ भूपेंद्र सिंह ने गाया था। कच्ची रंग उतर जाने दो। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो साल 1987 में इन्होंने विजय शंकर नाम के इंजीनियर बिजनेसमैन से शादी की, जिससे इन दोनों को एक बेटी नंदना हुई। लेकिन साल 2011 में जब ये ए आर रहमान के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करने के लिए यूएई गई थी तो इनके साथ इनकी बेटी भी थी। यहीं पर कमरे का दरवाजा खुला होने पर लड़की स्विमिंग पूल की ओर चली गई और गलती से स्विमिंग पूल में गिरकर डूब गई और जबल अली सीडर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां पर इनकी बेटी की मौत हो गई। इन दोनों को ये बेटी काफी समय बाद पैदा हुई थी और रिपोर्ट्स की माने तो बच्ची का जन्म डाउन सिंड्रोम की बीमारी के साथ हुआ था। इस दुख से उबरने में इन्हें काफी समय लग गया। कैसे जिया जा।
अगर इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो इसमें इनकी बराबरी कोई भी फीमेल सिंगर आज तक नहीं कर पाई है, चाहे वो लता जी हों, आशा भोसले रही हों या फिर कोई और गायिका। चित्रा जी को अभी तक 6 नेशनल अवार्ड के साथ साथ कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और स्टेट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चलिए आपको सुनाते हैं वो 6 गाने जिनके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें 2005 में भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और साल 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें साल 1997 में ब्रिटिश संसद यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया था, और ये भारत की एकमात्र ऐसी गायिका हैं जिन्हें 2009 में किंघाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत और जल महोत्सव में चीन सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इन्हें 2001 में रोटरी ऑफ द सार्क ऑफ ऑनर अवार्ड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और चित्रा जी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी गायिका बनी जिन्हें 2001 में MTV अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों की पसंद वीडियो म्यूजिक अवार्ड मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला। साथ ही 2011 में सत्यभामा यूनिवर्सिटी और साल 2018 में द इंटरनेशनल तमिल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। अगर बात करें इनकी वर्सटैलिटी की तो चित्रा जी ने मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, तुलू, राजस्थानी, उर्दू, संस्कृत सहित कई भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए। दोस्तों, अगर इनके काम और अवार्ड्स को देखते हुए इन्हें लिविंग लेजेंड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो पुराने दिन की टीम इस शानदार फनकार की लंबी उम्र की कामना करती है। ये अपनी मधुर आवाज से विश्व भर के श्रोताओं का ऐसे ही मनोरंजन करती रहें। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।